कर्नाटक के प्रज्वल रेवन्ना सेक्स स्कैंडल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार खुलकर बात की है। पीएम ने जोर देकर कहा कि प्रज्वल रेवन्ना जैसे व्यक्ति के लिए कतई बर्दाश्त नहीं करने वाली नीति होनी चाहिए। उन्होंने कर्नाटक की कांग्रेस पर सरकार को घेरते हुए कहा कि राज्य सरकार ने सांसद को देश से भगाने में मदद की है। पीएम मोदी ने ये बातें एक इंटरव्यू में कही हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस मामले में कार्रवाई करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होनी चाहिए, क्योंकि ये कानून और व्यवस्था का मुद्दा है। उन्होंने कहा कि हजारों वीडियो की मौजूदगी से लगता है कि उस समय का है जब जनता दल सेक्युलर का कांग्रेस के साथ गठबंधन था। उन्होंने कहा कि ये वीडियोस तब एकत्र किए गए थे जब वे सत्ता में थे और वो कलिंगा समुदाय द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग करने के बाद चुनाव के दौरान उन्हें इसे जारी किया गया। प्रधानमंत्री ने इस घटनाक्रम को बेहद संदिग्ध बताते हुए कहा कि रेवन्ना देश से बाहर भेजे जाने के बाद वीडियो जारी किए गए हैं। मोदी ने कहा कि अगर राज्य सरकार के पास सूचना थी तो उसे हवाई अड्डे पर नजर रखनी चाहिए थी और सतर्कता बरतनी चाहिए थी। उन्होंने आगे कहा कि आपने कुछ नहीं किया, भारत सरकार को सूचित नहीं किया। इसका मतलब है कि ये एक राजनीतिक खेल था और वे जानते हैं कि ये वीडियोस उस समय के थे जब वे गठबंधन में थे और उन्होंने इस वीडियो को एकत्र किया था। हालांकि ये मेरा मुद्दा नहीं है, मेरा मुद्दा ये है कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाना चाहिए। हमारे देश में इस प्रकार के खेल बंद होने चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि जहां तक मोदी की बात है, जहां तक बीजेपी की बात है, जहां तक हमारे संविधान की बात है, मेरा स्पष्ट विचार है कि ऐसे लोगों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस यानी कि कतई बर्दाश्त नहीं करने वाली नीति होनी चाहिए। उपलब्ध सभी कानून विकल्पों का उपयोग करके कड़ी सजा दी जानी चाहिए। इसी के साथ एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि प्रज्वल रेवन्ना को वापस लाना चाहिए और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, कोई अगर मगर नहीं होनी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।